वज़ीर-ए-आज़म की चीनी कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए हर मुमकिन तआवुन की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी बयान में बताया गया है कि इमरान खान से चीनी कंपनियों के सरबराहान के वफ्द ने मुलाकात की, जिसमे चीनी सफीर नोंग रोंग भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने कहा है कि कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में मुल्क भर से मुस्लिम लीग नून की कामयाबी एक नई सुबह का आगाज है। खास तौर पर पंजाब से इंतखाबी नतीजे पार्टी की पंजाब में अवामी खिदमत की तायद है। इस कामयाबी पर अल्लाह ताला के हुजूर नवाफिल अदा करें, सजदाए शुक्र बजा लाएं। इंशाल्लाह कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात से बनने वाले मोमेंटम को नई कुव्वत से महमीज देंगे। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में अमरीकी सदर जो बाइडन पर वजीर आजम इमरान खान से राबते के लिए दबाव बढ़ गया। डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस वैन ने कहा है कि अफगान सूरत हाल के तनाजुर में सदर जो बाइडन पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान से राबता करें। सदर जो बाइडन और इमरान खान के दरमियान राबते की राह में कोई रुकावट नहीं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने भारत को एक्सपोज करने वाले बरतानवी रुकने पार्लियामेंट की वीडियो शेयर कर दी। उन्होंने कहा कि भारत मुसलमानों और अमन का सबसे बड़ा दुश्मन और दहशतगर्दों का सहूलतकार है। पाकिस्तान आज भी अमन के साथ, मगर भारत अमन दुश्मनों और दहशतगर्दों के साथ खड़ा है। अफगानिस्तान में अमन भी भारत से बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो साजिशें कर रहा है। अक्वामे मुत्तहदा के हाई कमिश्नर बराए महाजरीन बेघर अफराद की सूरतेहाल का जायजा लेने के लिए काबुल पहुंच गए। यूएन हाई कमिश्नर का कहना है कि अफगानिस्तान के लिए इमदाद की जरूरत है। 35 लाख बेघर अफराद की सूरतेहाल का जायजा लेंगे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अक्वामे मुत्तहदा का कहना है कि अफगानिस्तान की आधी आबादी को इमदाद की जरूरत है। फरख हबीब ने कहा है कि कंटोनमेंट इंतखाबात में आवाम ने मुल्क गिर वजीर आजम इमरान खान पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। एक बार फिर पीटीआई सबसे ज्यादा नशस्तों के साथ सरफहरिस्त बल्कि वाहिद कौमी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई, जिसने तमाम सूबों में नुमाइंदगी हासिल की है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सुखड़ कर इलाकाई जमातें बन चुकी हैं। हमजा शहबाज का कहना है कि कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात में कामयाबी आवाम की खिदमत का नतीजा है। 2023 के आम इंतखाबात में भी मेहनत करेंगे। कंटोनमेंट बोर्ड्स में कामयाबी पर पूरी जमात को मुबारकबाद पेश करता हूं। कारकुनों ने पार्टी की खिदमत का पैगाम गली गली पहुंचाया। पीएमएल ने 5.8 का ग्रोथ रेट, ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो की फरहमी और लोड शेडिंग का खात्मा जैसी खिदमत आवाम को फराहम की। और साबिक विफाकी सेक्रेटरी, कॉलम निगार और दानिश्वर डॉक्टर सफदर महमूद इंतकाल कर गए। डॉक्टर सफदर महमूद रोजनामा जंग में कॉलम निगार थे। वो सुबह बखैर के उनवान से कॉलम लिखा करते थे। डॉक्टर सफदर महमूद के किताबों के मुसन्निफ भी थे। डॉक्टर सफदर महमूद की नमाज जनाजा बाद नमाज जोहर डिफेंस लाहौर में अदा की गयी।